नमस्कार, शिव शैली चैनल आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पावर पॉइंट का होम टैब देख रहे हैं। होम टैब में देखें आपके क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, इतने सेक्शन हैं। क्लिपबोर्ड एडिटिंग सेक्शन तो आपने वर्ड वगैरह में देखा है और लगभग वही कमांड है, कट, कापी, पेस्ट, फार्मे, पेंटर। तो इनमें अपन टाइम लॉस नहीं करते हैं, आपके सेम वही काम करते हैं। और फाइंड रिप्लेस भी कमांड वर्ड में जैसा काम करता है वैसे ही काम करता है। हम बेसिकली इन सेक्शंस में रहेंगे जो थोड़ा अलग हैं। तो देखें, हम यहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ से ले रहे हैं न्यू स्लाइड। तो आप सभी जानते हैं न्यू स्लाइड में आप नई स्लाइड यहाँ से ला सकते हैं। लेआउट चुना आपने, कोई भी लेआउट लिया आपने यहाँ से, वो आपके न्यू स्लाइड क्या होगी। जिस भी स्लाइड में आपका कर्सर था, जिससे अभी कर्सर कहाँ है मेरा, स्लाइड थ्री में है। कैसे मालूम, यहाँ लाल बाउंड्री बनी हुई, इसका मतलब कर्सर हमारा थ्री में है। तो जिस भी स्लाइड में कर्सर, उसके बाद नई स्लाइड आएगी। देखिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, स्लाइड को डिलीट दबाया, स्लाइड डिलीट हो गई। अब मेरा कर्सर कहाँ, स्लाइड थ्री में है। यहाँ देखिए, स्लाइड थ्री का कंटेंट यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, न्यू स्लाइड में जा रहे हैं और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी स्लाइड ले रहे हैं तो थ्री के बाद आएगी वो। ये देखें, थ्री के बाद ब्लैंक स्लाइड हमारी आ गई है, ये न्यू स्लाइड हो गया है। अब लेआउट का मतलब क्या है, हमने लेआउट टू कंटेंट लेआउट ले लिया है। अब हमको लेआउट ही ठीक नहीं लग रहा है, हमको जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसको लेआउट हमें कुछ अलग चाहिए। तो हम क्या कर, जनरली कई लोग क्या करते हैं, इसको मिटाएंगे और नई स्लाइड फिर लेआउट में चुनते हैं। ऐसा करने का हमें आवश्यकता नहीं। हमने लेआउट में गए यहाँ से हम, और हमने क्या किया यहाँ से, जैसे मुझे ये लेआउट चाहिए, टाइटल कंटेंट, तो हमने इस लेआउट को ले लिया। ये हमारा ऐसा होता है लेआउट। या आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं। जो स्लाइड आपने ली है उसका लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। रीसेट क्या होता है, जैसे देखिए लेआउट हमारा बना हुआ, लेआउट हमारा, हमने क्या किया, इसको लेआउट को बदलाव कर दिया, लेआउट का कुछ चेंजेज कर दिया। जैसे मैं इसको यहाँ ले आया, ऐसे मैंने कुछ चेंजेज कर दिए हैं, ये मैंने किया, लेकिन बाद में मुझे कुछ लगा कि ठीक नहीं है जो मैंने किया है, ये अच्छे से जम नहीं पा रहा है। तो आप रीसेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा लेआउट था वैसे आपको फिर जमा देगा, आपको और कुछ करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेक्शन देखें, आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड का मतलब जो स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन में, आप इनको कई सेक्शन बांट सकते हैं। जैसे मैंने देखिए, मैंने यहाँ क्या किया, सेक्शन में गया, एड सेक्शन कर दिया, एक सेक्शन यहाँ बन गया। मैं क्या किया, इसके बाद आया यहाँ से थ्री में गया, मैंने यहाँ एड सेक्शन कर दिया, ये आपका दो सेक्शन बन गए। चलिए, आप रीनेम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ राइट क्लिक किया और रीनेम किया, हमने इसको नाम कर दिया सेक्शन वन, और हम यहाँ पे गए, इसको हमने क्या किया, रीनेम किया और सेक्शन टू कर दिया। फायदा क्या है, आपके ग्रुप बन गए हैं। इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सेक्शन वन की स्लाइड हमारी बंद हो गई है, सेक्शन टू सीधे हमारा आ गया है। तो आप स्लाइड को ग्रुप बना सकते हैं सेक्शन के द्वारा, कई सेक्शन में बांट सकते हैं। तो आपको मैनेज करना सर, देखिए सेक्शन मैंने दोनों को लैस कर दिए हैं, ये सेक्शन वन में टू स्लाइड बता रहा है, ये हमने खोल लिया, स्लाइड दिख जाएंगे। सेक्शन टू हमने को लैस किया, बता रहे थ्री स्लाइड हैं। तो ग्रुपिंग करने का अच्छा तरीका सेक्शन का। सेक्शन आप हटा भी सकते हैं, जब हटाना हो रिमूव सेक्शन क्लिक किया तो हमारा सेक्शन टू हमारा हट गया है। सेक्शनों को आप ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ग्रुपिंग का अच्छा तरीका सेक्शन है ये। आगे चलते हैं, यहाँ देखें, ये बी आई यू कमांड सबको पता है, हमने सेलेक्ट किया, मान लीजिए फंक्शनल अभी सेक्शन सेलेक्ट किया है, बोल्ड किया, गाढ़ा हो गया, इटैलिक तिरछा, यूज अंडरलाइन, ये कमांड पहले देखे हैं आपने, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। ये शेडिंग कमांड है, हल्की छाया लगा देगा शब्दों की। ये देखिए, थोड़ा छाया दिखा शब्दों की, हल्की छाया शब्दों दिखने लगती है, शेडिंग कमांड कर देता है। टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट की छाया दिखाई देगी आपके। ए बी सी तो आपका क्या क्रॉस करता है, काटने के लिए है, स्ट्राइक थ्रू, ये देखिए ऐसा कर दिया ये। और ये हमारा क्या करता है, ये एक स्पेसिंग है, कैरेक्टर की स्पेसिंग। जैसे आपने क्लिक किया, हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, तो मैं लूज, वेरी लूज कर दिया। क्या देख रहे हैं आप, जितना भाग सेलेक्ट है उनके बीच की स्पेस हमारा क्या बढ़ गया है। और बढ़ाना चाहते हैं, मोर स्पेसिंग कर दिया हमने, यहाँ से स्पेस अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। ओके कर दिया, स्पेस हमारा बढ़ गया। ये होता है अच्छा रंग भी जगह बढ़ाने का तरीका ही है। चेंज केस कमांड वर्ड में भी था, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लोअर केस पूरे स्मॉल कर देगा और अपर केस पूरा कैपिटल करेगा। कैपिटलाइज वर्ड पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, टॉगल केस रिवर्स करता है। और सेंटेंस केस मतलब क्या है, पहला अक्षर कैपिटल बाकी स्मॉल होता है। ये तो पता ही है, यहाँ से फॉन्ट और साइज करते हैं, यहाँ से क्रमशः साइज बढ़ेगी, यहाँ से क्रमशः साइज घटेगी हमारी, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ये हमारा फॉन्ट कलर है, देखिए जो सेलेक्ट है उसका कलर चेंज हो गया है। और ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग है, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा, मतलब फंक्शन अपना पुराने रूप में आ जाएगा।
अब देखिए मैंने फंक्शन ऐसा कर दिया, इसको फंक्शन मुझे वापस लाना है। तो ये कमांड फॉर पेंटर में पढ़ा है, फॉर पेंटर हम चाहते हैं ऐसा लाइब्रेरी जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हमारा फंक्शन भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में क्लिक किया और कहाँ क्लिक किया, फॉर्म पेंटर। तो क्या हुआ है, हमारा माउस ब्रश बन जाएगा। देखिए ब्रश बन गया है। ब्रश में क्या है, लाइब्रेरी में जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई है, जो फॉर्मेटिंग यूज की, फॉर्मेटिंग इस ब्रश में आ गई है। अब हम बाएं बटन दबाए हुए जितने भाग ब्रश चलाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग वही हो जाएगी जो किसकी है, लाइब्रेरी की। देखिए दोनों की फॉर्मेटिंग मैच कर गई है। ये फॉर्म पेंटर कमांड है, पहले पढ़ा है हमने, लेकिन फॉर्म पेंटर ज़्यादा यूज कई लोग नहीं करते हैं, कट कॉपी पेस्ट सबको पता होता है। अब आते हैं पैराग्राफ सेक्शन में आते हैं। पैराग्राफ सेक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपको इसका रिजल्ट एक पैराग्राफ में चाहिए तो आपको सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ जहाँ टेक्स्ट ज़्यादा हो, जैसे यहाँ आगे दो दो लाइन यहाँ पे हैं। चलिए हम यहाँ पर आए और ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, क्या हमारा बाएँ है, ये हमारा क्या है सेंटर। सेंटर केवल वो पैराग्राफ हो रहा है जो हमारा क्या है, जिस पे हमारा कर्सर है, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वर्ड में था ऐसे यहाँ भी है, ये राइट हो गया। देखिए दाएं से करिए अलाइनमेंट और ये हमारा जस्टिफाई, दोनों ओर से सीट मिला दिया इसलिए। और ये क्या है, कॉलम बांटने के लिए हो गया, अब टू कॉलम कर दिया आपने, तो हमारा क्या दो कॉलम में हमारा टेक्स्ट हो गया। ये वापस हम कॉलम कर लेते हैं, हम मतलब विकल्प है टू कॉलम करने का, टू कॉलम यहाँ से कर सकते हैं। ये बुलेट्स हैं, जनरल बुलेट्स रहते ही हैं, आप यहाँ से बुलेट्स कर सकते हैं। ये केवल चूंकि यही काम पर आप सेलेक्ट है इंसर्ट वाला, बाकी इसलिए यहाँ पे काम कर रहा है। आपको समय करना सेलेक्ट कर लीजिए, बुलेट्स जो करेंगे बुलेट्स हो जाएगा। देखिए बुलेट हो गया है, आपको बदलना है आकार, बदल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग का तरीका बदल सकते हैं। ये हो गया, ये इंडेंट है, जैसे मैंने इंसर्ट के अंदर लिखा रिसेंटली यूज के अंदर मैंने लिखा सम लिखा, अभी सम मुझे अंदर ले जाना है तो हम क्या करेंगे इंडेंट कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा ये सम, क्या हो गया है रिसेंट के अंदर आ गया है। मल्टीलेव लिस्ट के लिए इंडेंट का यूज करते हैं। और ये हमारा क्या है, लाइन स्पेसिंग बढ़ाने के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे स्पेस बढ़ाना लाइन का, चलिए यहाँ पे हूँ मैं, तो यहाँ से हम क्या लाइन स्पेस बढ़ा सकते, ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे कर्सर वहीं पे काम करेगा, वो नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये पूरा पूरा बक्से के अंदर का बदलेगा, ये बड़ा बक्सा है, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ डायरेक्शन आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से, ये ऐसा हमने ले लिया है। अगर आप इसको थोड़ा चौड़ाई बढ़ाएंगे तो क्या देखेंगे, पूरा आपका क्या हो गया है, देखें हॉरिजॉन्टल टाइप से हो गया ये। वापस मैं वही टेक्स्ट कर लेता, हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। यानी आप टेक्स्ट को घुमाना चाहते हैं 90-270 या स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ऑप्शन भी वहाँ से मिल जाएंगे आपको, डायरेक्शन देने का तरीका हो गया है। अलाइन टेक्स्ट आप टॉप मिडिल बॉटम चाहते हैं तो आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। देखिए यहाँ तरीका ये करने का, ये थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूँ। देखिए इतना अपना बक्सा है, अब हम जा रहे हैं अलाइन टेक्स्ट में, टॉप ऊपर है, मिडिल कहाँ इस बक्से के बीच में आ गया है। अब बॉटम करेंगे तो क्या हो गया है, देख रहे हैं हम बिल्कुल यहाँ नीचे आ गया ही है। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हो रहा है एक बॉक्स के अंदर। लेआउट में आपके ऑलरेडी कई बॉक्स बने होते हैं, कई भागों में आपकी स्लाइड बटी ही होती है। कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट क्या होगा, आपकी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसको स्मार्ट आर्ट बदल देगा। मान लीजिए मैंने कोई भी यहाँ से इसको ले लिया, क्या देख रहे हैं पूरा हमारा एक स्मार्ट आर्ट बन गया। ये होता है स्मार्ट आर्ट बदलने का तरीका। हमने देख लिया स्मार्ट आर्ट बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट यहाँ से। आगे चलते हैं अपन, ये हमने कमांड देख लिया है, सॉरी अपन होम टाइम में ही है अभी। इस तरह आपका पैराग्राफ सेक्शन पूरा हो गया है। ये आपके शेप हैं, आप कोई भी शेप यहाँ ला सकते हैं, जैसे मैंने ये ला लिया चतुर्भुज ला लिया, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे ऐसे, आप कोई आकार जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं आकार। ये देखें ऐसा आकार हमारा आ रहा है, ये आपका शेप बनाने का तरीका हो गया। ये कि आप अपने मन चाहे आकार मन चाहे जगह पे ला सकते हैं। ये तो मैं रफली कर रहा हूँ, आप ये सब कम डिजाइनिंग के लिए करते हैं। अरेंज क्या हो गया, आपको इनको अरेंज करने से, देखिए मैं इस बक्से को ले आया हूँ, इसके ऊपर ला दिया मैंने, तो क्या हो गया हमारा, ये मैं इसको ऐसे लाया हूँ, ऐसे लगा दिया मैंने, इस तरह से एरो लगा दी हमने, तो क्या हो गया हमारा ये चीज़ छिप रही ना। हमने क्या किया, अरेंज में गए हम,
इसको हमने सेंड बैक टू बैक कर दिया तो क्या हमारे पीछे चला गया ये। तो ये तरीका ऐसा होता है कि आपने कई सारे अगर चीज़ें ऊपर नीचे हैं तो आप उनको यहाँ से अरेंज कर सकते हैं, फ्रंट बैक लाना, अलाइन करना, सारा काम रोटेट करना, सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने रोटेट कर दिया तो देखिए घूम गया ऐसा ही है, अंडू कर दिया इसको मैंने, ये आपका अरेंज हो गया ये। और देखिए यहाँ पे क्विक स्टाइल क्या है आपका, कलरिंग वगैरह तुरंत भरने के लिए, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ से, देखिए जो जिसमें हमारा बक्सा था वहाँ सेलेक्ट हो गया ये। आप यहाँ से कोई स्टाइल ले सकते हैं, मल्टीपल स्टाइल यहाँ उपलब्ध हैं, आप यहाँ से स्लाइड का चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो स्लाइड लेंगे उसके हिसाब से हमारा संबंधित बॉक्स हो जाएगा। कोई अपन और स्लाइड ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर आ गए हैं, अब देखिए मैं यहाँ आ रहा हूँ तो पूरे बक्से में प्रभाव दिखेगा आपको, ये किया पूरा बक्से ही भर गया हमारा ये, क्योंकि स्टाइल होती है। शेप फिल क्या होता है, आकार को भरने के लिए होता है, कलर पहले भरा हुआ है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, केवल शेप भरने वाला काम होगा। शेप आउटलाइन क्या, आउटलाइन देने के लिए होता है शेप की, आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं, मतलब बाहर की बाउंड्री दे सकते हैं। थोड़ा मैं कलर इसका शेप फिल का कलर चेंज कर दूँ, मैं इसको वाइट कर देता हूँ, नहीं भरा है। अब देखिए आपको बाउंड्री दिखाई देगी ये, तो आप देख पा रहे हैं शेप फिल, आप यहाँ कलर से भर सकते हैं शेप फिल को और आउटलाइन दे सकते हैं। इफेक्ट देना इसमें कोई कई इफेक्ट हैं, ये आपका प्रीसेट है, सिंपल इफेक्ट हमारे यहाँ रहते हैं। और देखें इफेक्ट में यहाँ शैडो है, अब छाया बनेगी अक्षरों की, यहाँ पे देखिए छाया बनेगी आकार की, ये हल्की छाया आ रही है। एक आकार ही ले लेते अपन, खाली स्लाइड में गए और यहाँ अपन कोई आकार ही ड्रा कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ये हमने ले लिया है। अब देखें शेप फिल हमने वाइट फिल कर दिया, आउटलाइन इसकी बाउंड्री कलर हमने ले लिया कुछ भी, ये हो गया। इफेक्ट ले रहे हैं तो थोड़ा इसको भर देते हैं तो समझ में आएगा, ये ले लिया हमने इफेक्ट। शैडो की बात कर रहे थे, शैडो लिया, हल्की छाया दिखाई देगी, ऐसे कई इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन एक कॉपी और नीचे देखिए आ गए, ये देखिए शैडो बन रही है इसकी, है ऐसे आपके सारे ऑप्शन हैं। ग्लो थोड़ा चमक रहेगी उसमें, हल्का सा चमक दिखाई देगी बाहर बाहर, तो आप कोई जो इफेक्ट है अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। आप सिंपल स्लाइड भी ले सकते हैं इन सबको, हम यहाँ भी ले सकते हैं, कोई स्लाइड हमारी है हम यहाँ भी ले सकते हैं इनको, हम यहाँ भी हमने यहाँ इफेक्ट ले लिया, मान लीजिए हमने सॉफ्ट एजेस छोड़िए हम 3D में ले लिया, ऐसा कर लिया, तो आपका जो भी कलर चुना हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, हमारा उस पर कार्य करेगा। जैसा इफेक्ट लेंगे उसे हमारा कार्य वर्क होता है ये। तो ये शेप के लिए सारे ड्राइंग सेक्शन नाम ही है, कि ड्राइंग से सारे काम हमारे यहाँ पे होते हैं। फाइंड रिप्लेस रिटिंग, ये तो आपने सेलेक्ट, ये आप सब हमने बड़े पढ़ा है, ये ढूंढने के लिए है, ढूंढ के बदलने के लिए है, और सेलेक्ट मतलब कोई भाग चुनने के लिए, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन पेन, ये उसके लिए हमारा होता है ये। तो हमने आज होम टेक पढ़ा है, होम टेक के ऑलमोस्ट सारे कमांड देख लिए हैं। अगर आपको कोई कमांड डिटेल और चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।